एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताऊंगी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब में इन्फेक्शन के कुछ कारण, जो कि मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं कि पेशाब में इन्फेक्शन हो गया है, पेशाब में जलन हो रही है और बार बार पेशाब आ रहा है, पेशाब में जलन है, पेशाब में बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, तो इसके क्या कारण है और क्या लक्षण है। और मैं इसका आज आपको ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे एक बार में ही आपका यूरिन इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टीन एज के बाद ज्यादातर लड़कियों में यूरिन इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम की बड़ी बात है कि यूरिन इन्फेक्शन जो होता है इसके सिम्टम्स आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको जानकारी ही नहीं होगी कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है तो क्या होगा, ये ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो आपके लिए इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको पता होगा इनके सिम्टम्स के बारे में तो आप आसानी से इसका उपचार कर सकती हैं, कुछ भी आप डॉक्टर को दिखा सकती हैं, आसानी से घरेलू उपाय कर सकती हैं और इस इन्फेक्शन से बच सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं यूरिन इन्फेक्शन यानी कि पेशाब में इन्फेक्शन के कुछ लक्षण के बारे में, जो कि आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपको पेशाब में इन्फेक्शन हो गया है यानी कि यूटीआई हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो पहला लक्षण आपका होगा पेशाब करते समय आपको बहुत ज़्यादा जलन फील होगी। हालांकि वेजाइना में जलन का दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई हो यानी कि आपको डिहाइड्रेशन हुआ हो। दूसरा लक्षण आपका होगा यूरिन करते समय आपको दर्द का होना। तीसरा लक्षण इसका हो सकता है यूरिन बहुत ज्यादा पीला रंग का हो सकता है या फिर मटमेले रंग का आपका यूरिन का कलर हो सकता है। तो ये क्या है, यूरिन इन्फेक्शन का लक्षण है। इसके अलावा नंबर चार, कम मात्रा में यूरिन आना यानी कि आपको बहुत कम कम पेशाब आएगा। इसके अलावा नंबर पाँच, यूरिनरी ट्रैक्ट में खुजली और जलन का होना, ये भी यूरिन इन्फेक्शन का लक्षण है। इसके अलावा नंबर छः, आपको यूरिन में बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, ये भी यूरिन इन्फेक्शन का लक्षण है। नंबर सात, बहुत ज़्यादा थकान फील होना। नंबर आठ, कुछ लेडीज़ में यूटीआई होने पर उनको फीवर हो जाता है और ठंड भी लगती है। नंबर नौ, बहुत ज़्यादा ठंड का लगना। नंबर दस, कमर में दर्द और पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द फील होगा। तो ये सभी जो लक्षण है यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण है, यानी कि आपको पेशाब में इन्फेक्शन हो गया है, वो उसके लक्षण है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए थे हमारे लक्षण, अब हम बात करेंगे कुछ कारण की, किस कारण की वजह से यूटीआई होता है। जैसे प्रेगनेंसी के बाद भी आपको यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा कारण, खराब खाना खाने के कारण भी आपको यूटीआई हो सकता है। तीसरा कारण, गुर्दे में पथरी अगर आपको है तो भी आपको यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा कारण आपका हो सकता है पेट में खराब होने के कारण, अगर आपके पेट खराब है तो भी आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा नंबर पाँच, किडनी में इन्फेक्शन होने के कारण भी यूरिन इन्फेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स ये तो थे कुछ कारण, अब बात करेंगे हम कि इससे हमें बचा कैसे जाए, कुछ घरेलू उपाय, और मैं कुछ एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आसानी से आपको यूरिन इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले आप पानी पीना शुरू करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। सबसे पहली चीज़ ये है, बहुत अच्छा उपाय है ये, आप करके ज़रूर देखिएगा अगर यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। दूसरा, आप खट्टे फल खाएं, यानी कि जिसमें विटामिन सी होता है वो चीज़ें आप खाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा, नींबू का पानी पिए, जितना आप नींबू का पानी पियेंगे उतना यूरिन इन्फेक्शन आपका ठीक होगा। फ्रेंड्स ये तो थे कुछ घरेलू उपाय, लेकिन मैं आपको ऐसी एक मेडिसिन बताने जा रही हूँ जिसके एक बार के यूज से आपको आसानी से यूरिन इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। तो देखिए, एक आती है क्रैनबेरी कैप्सूल, तो क्रैनबेरी कैप्सूल और इसका सिरप भी आता है। क्रैनबेरी कैप्सूल या फिर सिरप आप यूज़ करें, इसका सिरप आपको एक बार लेना है दिन में पानी के साथ। दूसरा, क्रैनबेरी के कैप्सूल्स आप ले सकती हैं एक बार सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, एक बार शाम को, सिर्फ दो दिन भी अगर आप ये कैप्सूल खाएंगी तो आपको यूरिन इन्फेक्शन से आसानी से राहत।